उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में मुस्लिम समाज के लोग अब पेश करेंगे नई मिसाल। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस को छोड़ अब थामेंगे भाजपा का दामन। कमालगंज रविवार की शाम जरारी में हुई एक बैठक के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला संयोजक असलम कुरैशी जमकर गर्जे। उन्होंने सीधा निशाना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर साधा, कहा कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम के वोट चाहिए, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम को पार्टी नहीं चाहती। अल्पसंख्यक के जिला संयोजक ने कहा कि भाजपा सरकार धोखा नहीं देती, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है और आगे भी करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सचिव इंद्रेश का संदेश हम सभी मुसलमान भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, सभी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। भाजपा सरकार का कहना है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने का काम करती है। पढ़ाया है, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उनको मजबूती से पकड़े और एक मिसाल कायम हो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार हो, पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़े। और जब हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ेगी तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति की इज्जत बढ़ेगी। भारत के प्रधानमंत्री यही कार्य कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं आपने देखा मुस्लिम कंट्रीजों में वो गए, उनका भरपूर स्वागत हुआ, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। क्यों? कि वो सबको एक नजर से देखने का काम करते हैं। और वैसे तो तरह तरह सी बातें जो है वो उड़ाई जाती है, करी जाती है, हर कौम में हर जात में कुछ सरफिरे लोग भी होते हैं, उनको नजरअंदाज करने की बात है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ने अभी चुनाव में ये कहा कि हमको 8% से और 10% मुस्लिम वोट मिला है।